हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। 2022 का जो सेशन है सीपीनेट का अलग एग्ज़ामों का, वो एग्ज़ाम में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो डिसीज़ के पूछे जाते हैं। तो आइए हम पहले बीमारी को पढ़ लेते हैं, डिसीज़ को पढ़ लेते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन आइए हम इस सेशन से कवर कर लेते हैं। मैक्सिमम 15 मिनट का डेली वीडियो बनाएंगे, 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि लेंदी हो जाएगी। अगर इसमें कुछ टॉपिक्स बच जाती है, कुछ डिसीज बच जाती है तो नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगा। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जॉन्डिस, जॉन्डिस क्या होता है? लीवर इज अफेक्टेड, स्किन एंड आई टर्न येलो। आपको पता ही होगा कि आँखें और जो स्किन होती है वो अफेक्ट होती है, लीवर भी इसमें अफेक्ट होता है। किसके कारण इफेक्ट होता है? ड्यू टू बाइल पिगमेंट डिपोजिशन, क्योंकि बाइल पिगमेंट का डिपोजिशन हो जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रिंगवाम में क्या होता है? रिंगवाम में जो पॉइंट्स हैं, ऐसे पॉइंट्स हम देखते जाएंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डिसीज से रिलेटेड। क्वेश्चन अगर पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, एनसीईआरटी के डिकोडेड पॉइंट हैं। रिंगवाम में क्या होता है? वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज, ये बहुत ही कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज है। स्प्रेटेड बाई सॉयल, ये सॉयल द्वारा स्प्रेड होती है। यूजिंग टॉवल क्लॉथ को शेयर करने से इन्फेक्ट होता है पर्सन। कॉजेटिव एजेंट इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा था सीपीनेट 2021 में, ये क्वेश्चन यहीं से पूछा हुआ था। ये क्वेश्चन था माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटान एंड एपिडर्मोफाइटान, तो इसको आप याद कर सकते हैं MET करके, इसको आप याद कर सकते हैं MET ट्रिक बना के, माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटम एंड एपिडर्मोफाइटान, ऐसे ट्रिक बना के आप याद कर सकते हैं। टाइफाइड, टाइफाइड बहुत ही कॉमन डिसीज़ आपने देखी होगी, टाइफाइड इधर उधर हुआ भी होगा बहुत लोगों को, तो आप टाइफाइड के बारे में जानते भी होंगे। ये भी क्वेश्चन सीपीनेट 2021 में आया हुआ था, लगभग 3 क्वेश्चन डिसीज से आए हुए थे बैक टू बैक। आप यहाँ देख ले रहे हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ था माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटान एंड एपिडर्मोफाइटान, इसके बाद टाइफाइड से क्वेश्चन आया हुआ था। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो बैक्टीरियल डिसीज होती है, सल्मोनेला टाइफाई एक बैक्टीरिया होता है जिसके द्वारा टाइफाइड काज होता है। डायग्नोसिस इसका विडाल टेस्ट द्वारा किया जाता है, विडाल टेस्ट होता है। अगर विडाल टेस्ट में नहीं पता चलता है तो एंटीजन का, एंटीबॉडीज का टेस्ट होता है। अफेक्टेड ऑर्गन स्मॉल इंटेस्टाइन इसकी होती है। सिम्टम्स इसका क्या है? फीवर आना 39 से 40 डिग्री, फीवर की जो यहाँ पे वैल्यू दी गई है 39 से 40 डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वीकनेस, स्टमक पेन होना, कॉन्स्टिपेशन होना, हेडेक होना। सीवियरिटी इसमें क्या है? इंटेस्टाइनल लॉस ऑफ एप्टीट्यूड, परफोरेशन एंड डेथ। अगर टाइफाइड बहुत ज़्यादा दिनों तक है तो डेथ भी हो सकती है। क्लासिक काज इसका टाइफाइड मैरी, टाइफाइड मैरी के बारे में आप जानते ही होंगे। ये जो है डिसीज़ फैलाती गई, जो है भोजन बांटती गई, ये जो है डिसीज़ फैलती है टाइफाइड, ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर द्वारा फैलती है। अगर आप साफ़ सुथरा खाना नहीं खा रहे हैं तो ये आपको बीमारी हो सकती है, बैक्टीरियल डिसीज़ हो सकती है। अगर सीवियरिटी ज़्यादा हो जाएगी तो आपकी डेथ भी हो सकती है टाइफाइड के कारण। इसमें एंटीबायोटिक चलाई जाती हैं, एंटीबायोटिक्स कुछ होती हैं वो चलाई जाती हैं, जैसे एजिथ्रोमाइसिन, अमॉक्सिसिलिन हो गया, जीफी हो गया और मल्टीविटामिन वगैरह सारी चीज़ें इसमें दी जाती हैं। निमोनिया, निमोनिया का कॉजेटिव एजेंट है स्टेफलोकोकस निमोनियाई एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये कॉजेटिव एजेंट है। ये भी इन्फेक्शन काज करता है एल्वुलाई में, सीधा एल्वुलाई में इन्फेक्शन काज करता है। सिम्टम्स इसका क्या है? चिली, फीवर आना, कफ और हेडेक होना। सीवियरिटी क्या है? लिप्स एंड फिंगर्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश, ग्रे से ब्लूइश हो जाना स्किन और फिंगर लिप्स का। ट्रांसमिशन बाय एरियोस, हवा में ये फैल सकता है, इवन बाय शेयरिंग ऑफ ग्लासेस यूटेंसिल्स विद इन्फेक्टेड पर्सन। एलिफेंटियासिस से भी क्वेश्चन आता है, आप ध्यान रखेंगे, ये होता है बाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड बाउचेरिया मलेरियाई। ग्रॉस डिफॉर्मिटी ऑफ लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब में आपने इस पेशेंट को देखे भी होंगे, हाथी पाँव जैसा हो जाता है पाँव, जेनाइटल आर्गन को भी ये जो है अफेक्ट करता है। ट्रांसमिशन इसका जो होता है वो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, एलिफेंटियासिस का ट्रांसमिशन जो होता है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो द्वारा होता है। मलेरिया, मलेरिया भी एक कॉमन डिसीज है, आप जानते ही होंगे मलेरिया के बारे में। इसके आप जो है सिम्टम्स नहीं याद रखेंगे, इसके कॉजेटिव एजेंट्स जो बैक्टीरिया प्रोटोजोआ या जो वायरस इन्फेक्शन काज कर रहा है उसका आप नाम रखेंगे, और ये इन्फेक्शन किस स्टेज में काज हो रही है,
कौन सी स्टेज काज कर रही है और किस ऑर्गन पे इन्फेक्ट कर रही है उसको आप याद रखेंगे डिसीज में, इससे ज़्यादा आप याद नहीं रखेंगे। तो प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोअन के अंदर आता है। ट्रांसमिशन इसका होता है फीमेल मॉस्किटो एनाफिलीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फीमेल मॉस्किटो जो एनाफिलीज होता है वो मलेरिया को ट्रांसमिट करता है। सिम्टम्स इसका क्या है, अब डेंगू, डेंगू का भी आप याद रखेंगे, डेंगू का ट्रांसमिशन किसके द्वारा होता है। सिम्टम्स जो होता है रिक्वायरिंग फीवर एंड चिल आना, इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन स्पोरोजॉइट, जो ह्यूमन में इन्फेक्टिव स्टेज होती है वो स्पोरोजॉइट होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड आपको हुआ भी होगा, आप जानते भी होंगे कॉमन कोल्ड के बारे में, राइनो वायरस द्वारा होता है, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे। लास्ट लगभग होता है ये 3 से 7 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। अफेक्टेड अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इसका इफेक्ट करता, आप इसको ध्यान रखेंगे। कॉमन कोल्ड में जो इफेक्ट करता है वो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक होता है, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक नहीं होता। सिम्टम्स इसका क्या है, सिम्टम्स इसका है सोर थ्रॉट, टायर्डनेस, कफ, हेडेक। ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है, एरोसोल्स एंड कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट को टच करने से भी हो सकता है। एड्स, एड्स जो होता है इसका वायरस है वो है रेट्रो वायरस। कॉजेटिव एजेंट है HIV है, फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981। ट्रांसमिशन इसका कैसे हो सकता है, इन्फेक्टेड नीडल्स द्वारा हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन द्वारा हो सकता है, मदर टू चाइल्ड में ट्रांसमिट कर सकता है थ्रू प्लेसेंटा, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट द्वारा इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ वीट, कॉजेटिव एजेंट इसका है प्यूसिनिया ग्रैमिनी। ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ वीट का जो कॉजेटिव एजेंट है ये है प्यूसिनिया ग्रैमिनी। हेमोफीलिया, हेमोफीलिया जो होती है ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज है हेमोफीलिया। हेमोफीलिया जिस पेशेंट को होता है उनके अंदर ब्लीडिंग कंटिन्यू होती रहती है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो एब्सेंट हो जाता है, कम हो जाता है। सिंपल कट लीड्स टू नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। ट्रांसमिशन फ्रॉम इन्फेक्टेड फीमेल कैरी टू मेल प्रोजनी, ट्रांसमिशन जो इसका होता है फ्रॉम इन्फेक्टेड फीमेल कैरी टू मेल प्रोजनी में इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। एडनोसिन डायमिनेस डिसीज ADD बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़ है, ये क्वेश्चन आता भी है और क्वेश्चन आया भी है, ये नीट में भी आता है, इसके बाद ये क्वेश्चन 2019 CP NET में एक आया है। जी हाँ, जब हमने 2019 का CP NET दिया था तो ये क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चाइल्ड के ऊपर किया गया था। इनहेरिटेड डिसऑर्डर विच डैमेज द इम्यून सिस्टम, ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जो कि इम्यून सिस्टम को डैमेज कर सकता है। इट कॉज सीवियर कम्बाइंड इम्यून डिफिशियंसी SCID, इसका भी फुल फॉर्म शायद पूछ सकता है, लेकिन शायद फुल फॉर्म अब पूछना बंद भी कर दिए हैं, फुल फॉर्म बहुत ही कम आता है। ट्रीटेड बाई बोन मैरो ट्रांसमिशन एंड जीन प्रोजनी, ये क्वेश्चन आया था, ये किसके द्वारा ट्रीट किया गया, ट्रीटेड बाई बोन मैरो ट्रांसप्लांट एंड जीन थेरेपी। वोमटिंग, वोमटिंग में आप याद रखेंगे वोमटिंग सेंटर कहाँ होता है, मेडुला में होता है, वोमटिंग सेंटर मेडुला में होता है, इसको आप याद रखेंगे। सिक्रोसिस ऑफ लीवर, लीवर आपको पता है अगर आप अधिक अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं अपने दिनचर्या में तो आपका लीवर डैमेज बुरी तरह से हो सकता है। सिम्टम्स इसके क्या हैं, फटीग, वीकनेस, वेट लॉस, जॉइंटिस, एब्डोमिनल स्वेलिंग। तो लीवर में सिरोसिस आप बस इतना ही याद रखेंगे, अगर आप अधिक सेवन कर रहे हैं दारू का तो ये चीज़ें हो सकती हैं, इसके बाद क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाला है। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि ये जो है एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, जैसे आप धीरे धीरे एजेड होते जाएंगे आपको ऑस्टियोपोरोसिस के चांस मैक्सिमम होते जाएंगे। ये एल्डर्स में होता है, जो बूढ़े होते हैं उनमें होता है, या जो महिलाएं होती हैं जिनमें कैल्शियम की कमी हो जाती उनमें ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस होने से फ्रैक्चर के चांस बढ़ जाते हैं। एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, कैरेक्टराइज्ड बाई डिक्रीज बोन मास एंड इंक्रीज चेंज ऑफ फ्रैक्चर। इसमें देखिए लिखा है कि इंक्रीज चांसेज ऑफ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर के चांसेज बढ़ जाते हैं। कॉमन काज इज डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, कॉमन इसका काज क्या होता है फीमेल में अगर हम बात करें तो एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाना इसका कॉमन काज है। माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर 4-5 डिसीज ऑटो इम्यून डिसीज हैं, उसको आप ज़रूर पढ़ लेंगे। माइस्थेनिया ग्रेविस जैसे है तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसके बाद ऑस्टियोमलेशिया है,
और कुछ डिसीजें हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये भी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, और मैस्थेनिया ग्रेविस है, ये सब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। एफेक्टेड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये NMJ को इफेक्ट करता है, लीड टू फटीक। इसके जो सिम्टम्स होते हैं ये फटीक, वीकनेस, पैरालिसिस ऑफ स्केल्टन मसल, स्केल्टन मसल की पैरालिसिस हो सकती है। गाउट, गाउट आप याद रखेंगे, गाउट आपको पता भी होगा, आपने कई बार पढ़ा भी होगा और आप इधर उधर देखे भी होंगे, जो एल्डर्स पेशेंट होते हैं उनमें ये ज़्यादातर होता है, घुटनों में दर्द होता है, चल नहीं पाते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एकमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड, जॉइंट में यूरिक एसिड का इकट्ठा हो जाना, इसको गाउट या गठिया रोग जैसी समस्याएँ होती रहती हैं। आर्थो जो होता है वो आर्थो, डॉक्टर आर्थो तेल वगैरह आता है उसको यूज़ किया जाता है, आप देखा भी होगा आपने। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये डिसऑर्डर किसके कारण होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिसऑर्डर जो होता है एक्स क्रोमोसोम का डिफिशियंसी हो जाता है, तो उसके जगह पे एक्स क्रोमोसोम के जगह पे जीरो आ जाता है, एक्स क्रोमोसोम मतलब एक क्रोमोसोम की डिफिशियंसी हो जाती है। इस डिफिशियंसी के कारण जो है ओवरी रूडिमेंट्री हो जाती है, मतलब ये जो डिसीज होगी वो फीमेल में होगी। लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर इसमें ख़त्म हो जाएगा। बेबियोसिस, कॉजेटिव एजेंट इसका क्या है, बेबेसिया माइक्रोटी, स्प्रेड बाय टिक्स द्वारा होता है। सिम्टम्स फीवर, चिली, हेडेक, फटीग, ये नहीं आने वाला है क्वेश्चन। एरिथ्रोपोइसिस ये क्वेश्चन आ सकता है, इसमें क्या होता है कि RBC का प्रोडक्शन होता है, प्रोसेस विच प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल एरिथ्रोसाइट, विच इज़ द डेवलपमेंट फ्राम एरिथ्रोपोएटिक्स स्टेम सेल टू मेच्योर रेड ब्लड सेल। एरिथ्रोपोएसिस जैसे अगर टर्म यूज़ किया जा रहा है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि RBC का प्रोडक्शन, RBC का डेवलपमेंट स्टेम सेल, मेच्योर सेल, रेड ब्लड सेल। इंसेफलाइटिस, इंसेफलाइटिस कॉजेटिव एजेंट हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है, इंसेफलाइटिस का जो कॉजेटिव एजेंट है वो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है, HSV। ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस डिसीज़ है, आपको पता ही होगा कि इंडिया जो है 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस फ्री होने वाला था, लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया गया शायद 2030 या 35 तक, अब 2030 तक शायद एक्सटेंड इसको कर दिया गया है ट्यूबरक्लोसिस से फ्री होने के लिए। गवर्नमेंट इसमें तरह तरह की स्कीमें भी चलाती है, फ्री दवाएँ मिलती हैं, 6 महीने का कोर्स चलता है। ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिसीज़ है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। सिम्टम्स क्या होता है, कफ होता है, वेट लॉस होता है, नाइट स्वेटिंग होती है, फीवर होता है, एयर बॉर्न होता है। इसके बाद इसका जो टेस्ट होता है, स्पूटम दिया जाता है टेस्ट के लिए, तब पता चलता है कि ये पेशेंट जो है ट्यूबरक्लोसिस द्वारा पीड़ित है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस उसके स्पोटम में पाया जाता है। वूफिंग कफ, कॉजेटिव एजेंट इसका है वो बैक्टीरियल है, ये है बॉर्डेटेला पेरिट्यूसिस। रनिंग नोज, नेजल कंजेशन, स्नीजिंग, फीवर्स, एयर बॉर्न डिसीज़ ये है वूफिंग कफ, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डिप्थीरिया ये इंपॉर्टेंट है, कॉजेटिव एजेंट इसका क्या है, कोरोना बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, एयर बॉर्न है। सिम्टम्स इसका क्या, सोर थ्रॉट, फीवर, स्वेलन लिम्फ नोड एंड वीकनेस। पोलियो इंपॉर्टेंट है, कॉजेटिव एजेंट पोलियो वायरस है, ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। सिम्टम्स इसका क्या है, जॉइंट में पेन होना, फटीक होना, मसल का ब्रीथिंग में दिक्कत होना, स्वेलिंग प्रॉब्लम, ये सारी समस्याएँ हैं। इसका जो एजेंट है कॉजेटिव वो पोलियो वायरस है, ट्रांसमिट होता है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा अस्थमा जो होता है वो पॉलन ग्रेन द्वारा भी हो सकता है। कॉज ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियाई एंड ब्रोंकियोस में इफेक्ट करता है, डिफिकल्टी होती ब्रीदिंग में, सीजिंग, ब्रीथिंग एंड थ्रू द माउथ। इम्फाइसिमा क्या होता है, ड्यू टू डैमेज ऑफ एल्वियोलाई वॉल, इम्फाइसिमा में होता है एल्वियोलाई वॉल डैमेज हो जाती है, और ये होती क्यों है, अधिक बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, जो धुएं वाली चीज़ें होती हैं वो सीधा लंग्स में जाती हैं, एल्वियोलाई में गैस को एक्सचेंज करने में दिक्कत होती है, वहाँ से ये इफ़ेक्ट करती हैं। इसलिए आप अगर ये सारी चीज़ें का सेवन कर रहे हैं तो उसको छोड़ सकते हैं। मेनली काज ड्यू टू स्मोकिंग, इसका जो मेन काज है इम्फाइसिमा का वो है सिगरेट का सेवन करना। सिम्टम्स इसका क्या है, फ्रीक्वेंट कफिंग और स्वेजिंग, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आप
सांस सही नहीं ले पाएंगे। कॉलरा इम्पॉर्टेंट है, विब्रियो कॉलराई द्वारा काज होता है। सिम्टम्स इसका क्या है, पेन इन एब्डोमेन, नौजिया, डायरिया, वोमिटिंग। टिटनेस जो है, क्लॉस्ट्रिडियम टिटनाई इसका कॉजेटिव एजेंट है। सिम्टम्स इसका क्या होता है, मसल कंस्ट्रक्शन इन जा एंड नेक पार्टिकुलरली, जो मसल होती है जा की उसमें कंस्ट्रक्शन हो जाता है। अभी लगभग 15 से 20 पेज और है, इस वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं क्योंकि वीडियो लेंदी बनाना हमारा मकसद नहीं, आप लोग वीडियो को देखते भी नहीं हैं, इसलिए हम सेकंड वीडियो इसका बनाएंगे, सेकंड पार्ट बनाएंगे। इस पार्ट को हम यहीं पे बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।